आया हूँ जी। और जो है यहाँ महिलाएं हरियाणा भर के कार्यक्रम अपने तय करेंगी, एक पूरी रणनीति के साथ एक एजेंडा बनाएंगी, बूथ बूथ पर महिला सशक्तिकरण का काम करेंगी। और राहुल गांधी तो भाई ठाली है, जीत जी करे घूमण चला जाए, बारिश का मौसम है, अपने उरी ने भी आ गया, शिमला जा था राम में अच्छे धान लगाते लोग दिखे आ गया। असली बात तो ये है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने 8 साल अपने पैरों नीचे दबाए रखा है, उसकी माफ़ी मांगे कांग्रेस कि वो उन्होंने क्यों नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने आके स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया, एक उसका एक पॉइंट भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। हुड्डा साहब की भी एक कमेटी बनी थी, 4 मुख्यमंत्री थे, 2010 दिसंबर में रिपोर्ट जमा हो गई थी, उस रिपोर्ट को भी दबाए बैठे रहे। तो ये हमेशा से ये भट्ठा परसोल वाले हैं, याद रखो इनको। जगह जगह जैसे कांड कराते थे, ये हजारों एकड़ ज़मीन जो हरियाणा की खिसकाई बड़े बड़े जो है पूंजीपतियों को, ये वो लोग हैं, ये किसान हितेशी नहीं है, ढाई ढाई रुपए के चेक देते थे। राहुल गांधी कभी मोटरसाइकिल ठीक करते हैं? आज भैया जो करना है करे, ठाली आदमी है। वही जिस तरह से बात करें तो जो एमएसपी की बात कर रहे हैं कि भाई जो सरकार एमएसपी की बात करती है, किसान कल मीटिंग भी कर रहे थे, उन्होंने घोषणा की है। देखिए एमएसपी भारतीय जनता पार्टी ने 50% प्रॉफिट के साथ सब बढ़ाए, और सबसे अच्छी खरीद हरियाणा में होती है, कोई एक स्टेट ले आओ, सारे पत्रकार मिलकर भी संगोष्ठी करो, मैं भी आ जाऊंगा, और कांग्रेसिया ने बुला लियो, मुद्दा ठाणिया ने बुला लिया, हरियाणा से बेटर देने वाला कोई देश में राज्य नहीं है। देखिए भाई वो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, और वो निश्चित रूप से अपनी बात तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि उनको किस किस तरह से इन्होंने जो किसी को तड़ी पार किया, किसी को बॉडी नहीं बनाने दी, एक अध्यक्ष को लठिया के उतारा। अब जो जो भी वो एक बात कही है, वो शेख सादी ने कहा है, जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, एक एक को पहचाना तो अपने फेंके हुए थे, अब इन्होंने जो जो पत्थर फेंके हैं वो उल्टे तो आएंगे ही आएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ पन्ने तक छोड़ देंगे, बाकी तो सब कुछ साफ है आप लोगों का। देखिए पन्ने का मतलब है 5 लाख कार्यकर्ता, 15 वोटर पर एक कार्यकर्ता, और कांग्रेस पार्टी स्टेट की बॉडी भी नहीं बना पा रही। अब ये पन्ने पर छोड़नी है, बाबू बेटे पिछली बार लोकसभा में क्यों लौटे थे दोनों? वो अभी कह रहे हैं कि बादली से ओम प्रकाश धनखड़ भी बिल्कुल मैं हारा था भाई साहब, जब पन्ने नहीं थे, ये पन्ने खड़े हो गए।